यह है हमारा एस्कॉर्ट 435। इसका जो आरपीएम आता है पीटीओ आरपीएम, वो 1000 पे आता है, 1000 वाला, 540 वाला नहीं, 1000। और हमारा रोटावेटर का भी आरपीएम सेट है 540 पे, 17 और 18 के गियर्स के साथ। तो आज हमने इस पे चलाया है 1000 आरपीएम पे 540 के चक्कर का। तो आप पूरा वीडियो देखें, उसमें आपको क्या अच्छा लगा या बुरा लगा कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आज हम नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ये जो हमारा एस्कॉर्ट है, उसका जो रोटावेटर का आरपीएम है वो 1000 के करीब है, और हमारे रोटावेटर के जो चक्कर है वो करीब 500 आरपीएम के ऊपर सेट है। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्मेंस रहता है। आप देख सकते हैं ये रोटावेटर कितना घूम रहा है, यानी कि ये स्लो में भी इतना घूम रहा है, आप देख सकते हैं। हमने आरपीएम कुछ नहीं दिए है। आप कभी अपने ट्रैक्टर पर ये ट्राई मत करिए, क्योंकि ये ट्रैक्टर के लिए हार्मफुल हो सकता है। आप देख सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा दब रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन इससे आप देख सकते हैं कि इसकी कटाई कितनी अच्छी है, क्योंकि आरपीएम अभी डबल हो गए हैं। देखिए, ट्रैक्टर पे जोर पड़ रहा है अभी थोड़ा सा। ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब हमारा ट्रैक्टर हाई के फर्स्ट गियर में चल रहा है। ये 1200 के करीब आरपीएम पर कटिंग और लेवलिंग भी आप देख सकते हैं। ये ट्रैक्टर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, या रोटावेटर के लिए, क्योंकि इसके साथ जो आरपीएम आते हैं उसके साथ जो चक्कर मैच होते हैं उसी पे हमें चलाना चाहिए। देख सकते हैं ट्रैक्टर लोड पे थोड़ा सा चल रहा है, ज़्यादा लोड नहीं है, क्योंकि ये इसमें पहले हमने कल्टीवेटर चलाया था, इसलिए ज़मीन इतनी हार्ड नहीं है। अगर हार्ड सॉइल होती तो ये चल नहीं पाता, ये मुलायम सॉइल होने के कारण ये चल सकता है, वरना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होता। ये कैसा एक्सपेरिमेंट आपको लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर जवाब दे। थैंक यू दोस्तों।